चैनल पर। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है क्योंकि टीए आर्मी के तरफ से यानी कि टेरिटोरियल आर्मी के तरफ से भर्ती का रैली शेड्यूल आ चुका है 2022 की भर्ती का। आप सभी को बता दें कि सभी जोन का यानी कि जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 सभी जोन का रैली डेट जारी कर दिया गया है और इसको लेकर एक शॉर्ट नोटिस टीए आर्मी के तरफ से जारी किया गया है जो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप सभी बने रहिए। आज की इस वीडियो में इस भर्ती की रैली डेट, एज लिमिट, हाइट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, कौन कौन से पोस्ट है, सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। जय हिंद एवरीवन। जितने भी भाई टी आर्मी की तैयारी कर रहे हो टेरिटोरियल आर्मी की, देखो आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अब आप लोग थोड़ा बच कर रहना और थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि अगर टी आर्मी का सही में भर्ती कराया जाएगा ना तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल पाएगा, इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा होने लगा है। देखो यार, पहले होता था फर्जीवाड़ा लेकिन अब नहीं होना चाहिए। आप सभी लोगों को पता चल गया होगा, देखो पहले किसी को नहीं पता चल पाता था जब कहीं टी आर्मी की भर्ती आती थी तो, लेकिन अब इतना ज़्यादा हो गया ना सभी लोगों को पता चल जाएगा। ये देखो अब तो यार ऐसा हो गया ना, अगर अभी देखो एक सर्विस मैन के लिए टी आर्मी की भर्ती आई है तो उसमें भी दो चार लोग बोल रहे थे कि वो फर्जी है, लेकिन वो फर्जी नहीं था। बहुत सारे लोग वीडियो बनाए थे और मैं खुद फ़ोन करके पूछा था, न्यूज़पेपर में निकला था तो मैं खुद पूछा था, कोई फौजी सर थे और रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोग को दिखाया था, वो भर्ती सही है। लेकिन किसके लिए है, जो लोग फौजी हैं, जैसे फौजी रिटायर हो चुके हैं उन लोगों के लिए वो भर्ती है, टी आर्मी की ही है, ठीक है ना। तो उसमें सब कुछ लिखा था कितनी भर्ती है, लेकिन अभी जो जोन वाइज भर्ती होते हैं ना, अभी कहीं भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन देखो ये बता दिया है इसका। देखो मैं किसी के बारे में वीडियो नहीं बनाना पसंद नहीं करता हूँ भाई, लेकिन यार ये हद कर देते हैं सब, और ये वीडियो सिर्फ इसी के लिए मैं बना रहा हूँ, ये जो बनाया है। अब देखो दो दिन में 11,000 लोग देखे हैं, दूसरा वीडियो भी बना सकते हो भाई। अभी ये भर्ती के बारे में झूठ बताना अच्छी बात नहीं है। अब मान लो आप दूसरा वीडियो बनाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। दो दिन में 11,000 लोग देखे हैं और इसमें 111 कमेंट आया है, और इसका पता है सब्सक्राइबर हैं 2,16,000। केपी स्टडी पॉइंट है, आप लोग खुद देख लो भाई। और ये पता है डेट, देखो डेट भी बता दिया है कि चारों जोन की भर्ती आ गई है। फर्स्ट जोन की भर्ती 3 जून से, फिर 21 अगस्त से सेकेंड जोन की, ऐसे करके मतलब चारों जोन की भर्ती बता दिया है। और यार आप लोग बहुत सारे भाई इसमें कमेंट भी कर दिए हैं कि थैंक यू भाई इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई लिखा है फर्स्ट व्यू, तो यार ऐसे नहीं करो यार, जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट करना बंद करो, ठीक है ना। अरे यार भाई मैं तुमको बोल रहा हूँ दूसरा वीडियो बना यार, ये सब जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हो ना, अगर सही में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो नहीं पता चल पाएगा अगर ऐसे ही करते रहोगे तो ऐसा करना बंद करो। और जितने भी भाई टी आर्मी की तैयारी कर रहे हो, देखो अभी कहीं भी नोटिफिकेशन नहीं निकला है, और जब निकलेगा ना तो पता चल जाएगा, मैं जाकर खुद आप लोग को दिखाऊंगा, क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूं और हमारे भी ग्राउंड से बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों का हाइट कम है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और रेस सही है, ठीक है ना। बहुत बार भर्ती देख चुके हैं लेकिन अंडर हाइट हो जाते हैं, अनफिट हो जाते हैं, लेकिन दौड़ना नहीं छोड़ते हैं, बस टी आर्मी का इंतजार करते हैं कब टी आर्मी की भर्ती आए। और टी आर्मी की यार मतलब खिलवाड़ बनाकर रख दिए हो कि भर्ती आ गई है, और मैं आप लोगों से पहले भी बोला था भाई देखना जब 2022 चढ़ा है तो बहुत सारे लोग वीडियो बनाएंगे कि हाँ भर्ती आ गई इस महीने में उस महीने में, लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा फर्जी भी रहेगा। तो ऐसा अब चालू हो गया है, ठीक है ना। अब आप लोग खुद देख लो, लाइव देख लो, नहीं विश्वास होगा तो आप लोग सुन भी लेना। अब मैं आप लोगों को क्या दिखाऊं होने वाला है, और देख लो भाई। आप सभी को बता दे कि ये जो आपका रैली होने वाला है, जैसे कि फर्स्ट जून का 3 जून से लेकर 9 अगस्त 2022 तक, इसको अच्छे से सुनो भाई, क्लर्क ट्रेड्समैन तीनों पोस्ट का जो है आपका रैली होने वाला है। देखो ये बोला है, बहुत ज्यादा बोला है कि इतना चेस्ट लगेगा, इतना इतना राज्य आता है, इस जोन में आता है, इतने तारीख तक भर्ती कराया जाएगा, और ये भर्ती ऑनलाइन नहीं होती है, ऑफलाइन होती है। तो अब मान लो 11,000 लोग देखे हैं, इसमें से बहुत सारे भाई जा भी सकते हैं, 11,000 में अगर 11 लोग भी जाएंगे ना तो बहुत नुकसान होगा भाई। यहाँ जाने में कैसे फैमिली के रहते हैं सब, जो भाई तैयारी करते हैं उन लोगों को खुद पता रहता है, एक तो हाइट कम रहता है, एक तो यार इतना झूठ बोलते हो, दूसरा वीडियो बनाओ, ठीक है ना, ऐसा वीडियो नहीं बनाओ। चलो ठीक है भाई लोग, देखो रियल नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा यार, आप लोग परेशान नहीं होना, और इन लोगों को ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बंद करो, ठीक है ना। अभी यार जब मैं देखा हूँ तो खुद मेरा दिमाग ख़राब हो गया, और बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल बनाए हैं जो सही बताते हैं, तो उनको आप लोग देखो और उनको सपोर्ट करो, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई लोग, जय।